आज की वीडियो में आपको ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली ऐश्वर्या राय आराध्या बच्चन के साथ पेरिस फैशन वीक अटेंड करने गई थी, जहां पर ऐश्वर्या राय की रैंप वॉक को बहुत पसंद किया गया। वहीं पर ऐश्वर्या राय की लुक्स को लेकर काफी ज्यादा क्यूरोसिटी भी थी और उनकी इस लुक्स पर काफी ज्यादा कॉमेंट्स भी सुनने को मिले, और हमने भी आपको बताया कि नेटिजन्स उनकी लुक्स पर क्या कॉमेंट कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वहीं पर अब उस पेरिस फैशन वीक की कुछ और अनसीन पिक्चर सामने आई हैं, जिनमें आराध्या और ऐश्वर्या को साथ में देखा जा सकता है। जी हाँ, पहले हमने ऐश्वर्या राय की तो बहुत सारी पिक्चर्स देख ली, उनकी रैंप वॉक देख ली, उनकी मेकअप वीडियोस देख ली कि किस तरह से वो रेडी हो रही हैं रैंप पर वॉक करने वक्त के लिए और किस तरह से वो रैंप पर वॉक कर रही हैं, उनकी ड्रेसिंग देख ली, सब कुछ देख लिया। लेकिन आराध्या इस सब में कहीं नजर नहीं आई थी, लेकिन अब आराध्या के साथ ऐश्वर्या की पिक्चर सामने आ गई हैं और देखा क्या है कि ऐश्वर्या और आराध्या इस सब को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि ऐश्वर्या पहली बार आराध्या को अपने साथ नहीं लेके गई हैं। इससे पहले भी ऐश्वर्या जहां जहां भी काम के सिलसिले में जाती हैं, वो कभी भी आराध्या को घर पर छोड़कर नहीं जाती हैं। वो हमेशा आराध्या को अपने साथ लेकर जाती हैं, चाहे वो पेरिस फैशन वीक हो, चाहे उन्हें किसी फिल्म की शूटिंग पर जाना हो, चाहे किसी फिल्म की प्रमोशंस पर जाना हो या फिर कैंस फिल्म फेस्टिवल। बहुत दफा कैंस फिल्म फेस्टिवल भी आराध्या को अपने साथ लेकर आई हैं और पेरिस फैशन वीक भी वो हर साल आती हैं और वो अपने साथ आराध्या को जरूर लेकर आती हैं। जितना पेरिस फैशन वीक पर ऐश्वर्या राय को जाना जाता है, उतना ही आराध्या को भी जाना जाता है। और डिफरेंट सेलिब्रिटीज जो दूसरे देशों से आए होते हैं, वो भी आराध्या से मिलते हैं। आराध्या की भी वहाँ काफी फैन फॉलोइंग है और आराध्या यही सब देख कर सीख रही हैं। आराध्या भी सीखने की उम्र में है, तो वो ऐश्वर्या के साथ इन सब जगहों पर जाती हैं और वहां से वो कुछ ना कुछ जरूर सीख रही हैं, जो आगे आने वाले समय में उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा और वो भी उसको इसी तरह से यूटिलाइज कर सकेंगी। आपको आराध्या और ऐश्वर्या की ये पिक्चर्स कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।